हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिन बाद दोस्तों मैं आज आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। अभी दोस्तों शाम के 7:30 हो चुका है और हमारा अभी शॉप बंद करने का भी टाइम हो चुका है। फिर मैंने सोचा कि बहुत दिन तक आप लोगों के लिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया है, तो आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक और फ्रेश वीडियो लेकर आ चुका हूँ। आज हालांकि दोस्तों बहुत दिन हो चुका है, 2023 के मैं शायद नवंबर से भी पहले मैंने वीडियो डाला था, तो अभी 2024 आ चुका है। तो 2024 में क्या खास अभी चल रहा है, तो इसी के बारे में ही कुछ नया अनबॉक्सिंग के साथ मैं वापस आ चुका हूँ। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, मेरे पास है ज़ेब्रोनिक्स का मदरबोर्ड, वो भी दोस्तों H61 NVMe मॉडल है। ये दोस्तों एकदम लेटेस्ट है, 2024 में इसका मैन्युफैक्चरिंग और ये अभी ही आया है मार्केट में। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ इसके अंदर है, क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है। तो दोस्तों ज़्यादातर इसके अंदर अच्छी चीज़ें ही है, कोई भी मुझे बैड थिंग्स इसके अंदर नहीं लगा, तो बैड चीज़ें की बात हम बाद में करेंगे और सबसे पहले इसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू आपको देंगे। आप दोस्तों इस मदरबोर्ड को परचेस कर सकते हो, मैं इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको आपके पीसी के लिए ये मदरबोर्ड सही है कि नहीं, वो तो आप वीडियो में आगे ही जान जाओगे। तो दोस्तों आज का ये अनबॉक्सिंग वीडियो जल्द से जल्द शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारे सामने ज़ेब्रोनिक्स का H61 NVMe का 2024 वाला वर्शन। तो दोस्तों क्या नया इम्प्रूवमेंट हुआ है, उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे पीछे स्पेसिफिकेशंस में चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे सॉकेट जो है वो 1195 मतलब 1155 पेंटियम स्लेरॉन प्रोसेसर विथ i7 i5 i3 CD CPU यहाँ पे सपोर्ट करता है। और इसका जो चिपसेट है वो है A61 और H63 चिपसेट इसके अंदर दिया गया है। और ये डुअल रैम स्लॉट के साथ आता है और ये डुअल चैनल सपोर्ट करता है। डुअल चैनल में आपको DDR3 रैम सपोर्ट मिलेगा, जिसमें आप मैक्सिमम 16 GB तक आप रैम लगा सकते हैं। और नेक्स्ट अगर उसके नीचे की अगर बात करें तो दोस्तों इसमें जो बायोस है उसमें आपको AMI बायोस मिलता है। दोस्तों अगर इस मदरबोर्ड के IO पोर्ट की बात करें तो इसमें जो HDMI पोर्ट है वो एक HDMI पोर्ट मिलता है, एक VGA पोर्ट, 6 आपको यहाँ पे USB 2.0 का पोर्ट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे कि मेंशन किया गया है 2 USB पोर्ट है और एक RJ45 और एक आपका 3-in-1 ऑडियो जो पॉइंट 3.5 जैक है वो भी मतलब 3.5 जो ऑडियो सपोर्ट है वो भी आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट आइटम की बात करें तो ऑन बोर्ड में आपको दोस्तों बहुत सारे पिन जो 24 पिन कनेक्टर क्या क्या है वो मैं बॉक्स को खोल के एक बार बता देता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे आप क्लियरली मेंशन किया गया है कि इस मदरबोर्ड में आप प्रॉपर NVMe स्लॉट अवेलेबल है, इसमें आप NVMe SSD डाल सकते हो। तो चलिए दोस्तों जल्द से जल्द बॉक्स को कर लेते हैं ओपन और देखते हैं बॉक्स कंटेंट हमें क्या क्या मिलता है। और दोस्तों इसके साथ हमें जो मदरबोर्ड मिलता है उसके अंदर कौन से चिप और कौन से कंपोनेंट्स हमें देखने को मिल जाता है उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जैसे कि आप देख सकते हो कि कोई भी सील लगा हुआ नहीं मिलता है, ये आपको नॉर्मली इस तरीके का बॉक्स पैकिंग के साथ आएगा। तो नॉर्मल अगर इस बॉक्स पैकिंग को हम ओपन करें तो इस बॉक्स के अंदर सबसे पहले हमें देखने को मिल जाता है एक SATA केबल जो कि ब्लैक कलर में है। पहले दोस्तों जो 2023-2022 के जो वर्शन थे उनमें हमें रेड कलर के मिलते थे, अभी हमें ब्लैक वाला मिलने लग गया है। और नेक्स्ट आइटम की बात करें तो यहाँ पे जैसे कि हमें मिल जाता है IO शील्ड, जहाँ पे आप कटआउट देख सकते हो किस तरीके का कटआउट हमें इस बार मिलने वाला है। और नेक्स्ट अगर हमें बॉक्स कंटेंट की बात करें तो कलर यूज़र मैनुअल गाइड है। हालांकि इस बार हमें थोड़ा सा कलर देखने को मिल जाता है, मतलब कि इस बार हमें कलर यूज़र मैनुअल गाइड दिया जाता है। पहले वाले हमें बॉक्स के अंदर ब्लैक एंड वाइट वाले यूज़र मैनुअल गाइड है वो दिया जाता था। तो इसको रखते हैं अभी साइड में। और नेक्स्ट आइटम की बात करें तो नेक्स्ट जो आइटम है वो है जो मदरबोर्ड का CD है। नॉर्मली दोस्तों अभी CD की कोई ज़रूरत नहीं होता, फिर भी मैं आपको CD दिखा देता हूँ। इस बार ये भी ब्लू कलर में है और यहाँ पे आप जैसे कि A61 NVMe देख सकते हो लिखा हुआ है प्रॉपर। तो चलिए इसको भी रखते हैं साइड में। और हमारा जो आखिर का जो कंटेंट है वो है हमारा मदरबोर्ड। तो दोस्तों ये रहा हमारा मदरबोर्ड।
इस मदरबोर्ड में आपको दोनों साइड में सील देखने को मिलेगा, तो हमें इन दोनों सील को ब्रेक करने के बाद हम इस मदरबोर्ड को निकाल पाएंगे। तो चलिए अभी इन सभी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं इनको हटाते हैं साइड में और बात करते हैं हमारे मदरबोर्ड की तरफ। दोस्तों ये रहा हमारा मदरबोर्ड, अभी हम इसके जो बैक साइड में जो सील लगा हुआ है इसको हम ओपन करेंगे। तो हम सबसे पहले हमारे सीजर्स ले लेते हैं और इसके मदद से हम इसको करेंगे कट। और अभी दोस्तों हम इस मदरबोर्ड के जो इंटरनल्स जो जो हमें कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं उनके बारे में प्रॉपर तरीके से बात करेंगे। तो जो दोस्तों मदरबोर्ड का जो साइज़ है पहले वाले से भी थोड़ा सा और छोटा हो चुका है, अभी हम इसका मेजरमेंट भी ले लेते हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारा मेजरिंग टेप, और जैसा कि ये जो मदरबोर्ड है 7 इंच से जो 7 इंच से थोड़ा सा छोटा है, और इस साइड से अगर देखें तो मेरे ख्याल से शायद हाँ सेम है दोस्तों, कि इस साइड में भी 7 इंच से थोड़ा सा छोटा है और इस साइड से भी 7 इंच से थोड़ा सा छोटा है। मतलब ये दोस्तों पूरा एक स्क्वायर मदरबोर्ड है। नॉर्मली हमें जैसे कि वाइड शेप का जो मदरबोर्ड देखने को मिलता है, लेकिन इस बार हमें वाइड शेप में नहीं, मतलब पूरा ही हमें स्क्वायर शेप में मदरबोर्ड देखने को मिलता है। पीछे की तरफ जो आप लेआउट देख रहे हो ये पूरा एकदम ब्लैक कलर का लेआउट है। और सामने की तरफ अगर पोर्ट्स की बात कर ले सबसे पहले, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो पुराने जो वर्शन थे सेम पोर्ट वहाँ पे जो भी दिया गया था यहाँ पे भी सेम पोर्ट्स देखने को मिलता है। सबसे पहले हमें 2 USB 2.0 का पोर्ट देखने को मिलता है, उसके बाद एक HDMI पॉइंट, एक VGA पोर्ट, और फिर से हमें 4 USB पॉइंट देखने को मिल, टोटल 6 USB पॉइंट हमें देखने को मिल जाए वो भी 2.0 में। और उसके बगल में ही RJ45 मतलब इंटरनेट का पोर्ट है। ये दोस्तों आपको 1 Gbps को तो प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, ये आपको 100 Mbps तक आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर सकता है। अगर आपको ज़्यादा हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए तो आप USB वाईफाई डोंगल का भी यूज़ कर सकते हैं, हाई स्पीड वाला। ओके, तो नेक्स्ट पोर्ट की बात करें तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो 3-in-1 आपको 3.5 mm जैक का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, जिसमें आप 5-in-1 या फिर 7-in-1 जो होम थिएटर से उसका मज़ा भी ले पाएंगे, और 3D ऑडियो भी ये सपोर्ट कर। और दोस्तों अगर बोर्ड मदरबोर्ड के ऊपर ब्रांडिंग की बात करें तो यहाँ पे हमें प्रॉपर क्लियर मेंशन देखने को मिल जाता है, ज़ेब्रोनिक ZEB-A61 NVMe। ओके, तो सबसे पहले इतनी बार हमें NVMe देखने को मिलता है, NVMe स्लॉट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये नीचे जैसे कि आप यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड का स्लॉट देख रहे हो, ठीक इसके ऊपर ही आपको यहाँ पे ठीक ऊपर ही आपको NVMe का स्लॉट भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपका NVMe जो SSD है वो डलेगा यहाँ पे, और इधर आपका NVMe को होल्ड करने वाला स्क्रू भी दिया गया है। तो इस स्क्रू को निकाल के NVMe आप इस मदरबोर्ड के अंदर लगा सकते हैं। दोस्तों अगर कैपेसिटर्स की बात करें तो ऊपर की तरफ सभी कैपेसिटर सॉलिड कैपेसिटर है, नीचे की तरफ भी सभी सॉलिड कैपेसिटर हमें देखने को मिल जाता है। और इसी के साथ अगर हम इस मदरबोर्ड में जो रैम का पॉइंट की बात करें तो रैम स्लॉट यहाँ पे दो पास में आपको रैम स्लॉट देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आप 8GB करके 2 DDR3 RAM इस मदरबोर्ड के अंदर लगा सकते हो। और दोस्तों अगर इसमें आप कितने हार्ड डिस्क लगा पाओगे वो भी अगर बताऊँ तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो 4 यहाँ पे आपको साटा पॉइंट देखने को मिल जाता है। इन चारों में ही आप 4 साटा पॉइंट में 4 SSD मतलब साटा SSD या फिर अगर आप जो हार्ड डिस्क लगाना चाहते हो तो वो भी आप लगा सकते हो। यहाँ पे हमें एक BIOS बैटरी देखने को मिल जाता है, जो कि हमें जो मदरबोर्ड का जो टाइम और डेट है वो ये स्टेबल रखता है। और इसी के साथ यहाँ पे आपको चिपसेट देखने को मिल जाएगा, जिसके ऊपर भी आपको हीट सिंक देखने को मिल जाता है। और ये जो सॉकेट आप देख रहे हो इसके नीचे हमारा जो प्रोसेसर जाएगा, तो सबसे पहले आपको सॉकेट का होल्डर आपको ऊपर उठाना होगा, उसके बाद जाके आप इसको निकालने के बाद यहाँ पे आप जो प्रोसेसर इस्तेमाल करना चाहेंगे वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो फिलहाल तो मैं दोस्तों इस मदरबोर्ड को डैमेज नहीं करना चाहता, तो इसलिए मैं इस चीज़ को वापस अपनी जगह पे लगा देता हूँ। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे आपको 24-pin जो कनेक्टर है वो भी देखने को मिल जाता है, जो SMPS से जो 24-pin कनेक्टर है वो इधर पे लगेगा, और इस साइड पे आपको 4-pin कनेक्टर देखने को मिल जाता है मदरबोर्ड के लिए। ओके, तो फ्रंट पैनल का जो ऑडियो पॉइंट है वो इधर से सप्लाई होगा नीचे की तरफ, क्योंकि आप देख सकते हो इधर ऑडियो बैक साइड का ऑडियो है, तो फ्रंट साइड का भी ऑडियो इधर पे है, क्योंकि इसी के नज़दीक ये रहा दोस्तों हमारा ऑडियो चिप, जो कि Realtek का हमें ऑडियो चिप देखने को मिल जाता है। और हाँ दोस्तों, यही सिंगल चिप से ही आप फ्रंट पैनल का और पीछे की साइड का जो जो ऑडियो होगा वो कंट्रोल कर पाओगे। वही ये जो छोटा सा चिप आप देख रहे हो ये इस चिप के
वजह से आपका मदरबोर्ड में ऑडियो का जो एक्सपीरियंस होगा वो दोस्तों बहुत ही बढ़िया होने वाला है। और इंटरनेट का जो पॉइंट है इसका भी इधर पे आप जैसे कि ये चिप देख रहे हो, ये भी दोस्तों रियलटेक का ही चिप है। इस रियलटेक के चिप की मदद से आपका ये जो इंटरनेट का पॉइंट है इसमें आप इंटरनेट का मज़ा उठा पाओगे। और इधर आज दोस्तों आप जैसे कि देख सकते हो ठीक यही कैपेसिटर के बगल पर ही एक आपका जो फ्रंट पैनल का यूएसबी पॉइंट देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये जो फ्रंट पैनल का यूएसबी पॉइंट है ये दोस्तों पावर सप्लाई देने के लिए इधर पे एक कैपेसिटर अलग से दिया गया है। यही कैपेसिटर दोस्तों इसमें भी पावर सप्लाई करेगा और यहाँ पे दोस्तों जो चार यूएसबी पॉइंट है इसमें भी पावर सप्लाई करता है। सेम दोस्तों ऊपर की तरफ भी हमें देखने को मिल जाता है, यहाँ पे जो कैपेसिटर है ये दोस्तों दिया गया है इस यूएसबी पोर्ट को पावर सप्लाई करने के लिए। और दोस्तों अगर आपको बारीक डिटेल में और भी दिखाऊं तो इधर पे भी दोस्तों बहुत सारे कैपेसिटर दिए गए हैं जिनका अपना अपना काम है। और इधर पे आपको जो जो इसके ऊपर फ़ैन लगेगा उसका फ़ैन का पॉइंट, ये जो वाइट वाला ये आपका फ़ैन का पॉइंट होगा। और उसके ठीक नीचे ही इधर पे एक और कैपेसिटर दिया गया है एक्स्ट्रा, अगर आप कोई भी इंटरनल फ़ैन लगाना चाहते हो जिसका पॉइंट मदरबोर्ड से लेना पड़ेगा तो उसके लिए भी इधर से अलग से एक कैपेसिटर दिया गया है ताकि आपका पावर फ्लो बहुत ही अच्छा हो। अगर दोस्तों आप जानना चाहते हो इस मदरबोर्ड को मैंने रिव्यू में कितना मार्क्स दिया है तो दोस्तों मैं इस मदरबोर्ड को 10 में से 7 नंबर दूंगा, क्योंकि दोस्तों इसमें अगर थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट किया जाता तो इस जगह पे 2.0 USB 3 जो है वो सपोर्ट देखने को हमें ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अभी 2.0 बहुत ही ज़्यादा स्लो हो गया है। फिर भी दोस्तों बहुत ही बढ़िया मदरबोर्ड है। अगर आपके पास थर्ड जनरेशन के कोई भी प्रोसेसर है या फिर अगर आप न्यू PC बिल्ड करना चाहते हो थर्ड जनरेशन में तो ये मदरबोर्ड आपके लिए बहुत ही बढ़िया होने वाला है। तो दोस्तों इसी बात पे एक लाइक ठोक दीजिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का ये अनबॉक्सिंग वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का ये अनबॉक्सिंग वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर से एक लाइक कर दीजिए आज के इस वीडियो को, शेयर कीजिए आज के इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। अगर आपका कोई दोस्त ऐसे ही PC बिल्ड में इंटरेस्ट रखता हो तो हेल्प कीजिए आपके दोस्त को इस वीडियो को शेयर करके, और हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियो हर रोज़ देखने के लिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इस मदरबोर्ड को रिलेटेड, कोई भी अगर क्वेरी हो तो मुझे नीचे आप कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूँगा आपके कमेंट की आंसर देने की। तो आज के लिए बस इतने ही दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।